थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, बट ईजीसी शॉर्ट यहाँ पे नॉक आउट हो चुके 20 करोड़ पे, और उसके बाद जो रेगल टॉस है यहाँ पे डैमेज देने की फुल कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो सामने टीम है वो है ईजीसी, अपनी वन बुलेट यहाँ पे रेगल टॉस है अपनी लेग किल। वेदर अगर रोड से भी जाते हो तो उनको कॉम्पिटिशन मिलता, अगर पानी से जाओगे तो आपको ज्यादा ओपन रह के और परेशानी हो सकती है। बट कुछ टीम जैसे यूनिकॉर्न गेमिंग दे आर स्टिल स्टक टू द मिलिट्री बेस और वो कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। यहाँ पे यूडो वर्सेस सोल की फाइट हो चुकी है, वहां पे यूडो के प्लेयर्स अंधा पुश कर रहे हैं सोल पे, एंड यहाँ पे क्लच गॉड ने पिक ऑफ किया दो प्लेयर को। वहां पे रेगल्टॉस नॉक हुए थे, वाइपर भी नॉक्ड है, यहाँ पे क्लच गॉड एंड मॉर्टल आ चुके हैं, एंड आई गेस अल्टीमेटली हुआ क्या, यहाँ पे इन्होंने किल सिक्योर किया। यूडो के गीक अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं एंड जली भी गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो आई गेस सोल के चारों बंदे रिवाइव हो जाएंगे। यूडो ने यहाँ पे पुश करने की कोशिश की, सोल यहाँ पे अपने खाते में 3 किल लिखते हुए, एंड यूडो की टीम जो है वो बैक ऑफ करेगी, एंड आई गेस यहाँ पे सोल के लिए तकलीफ होते हुए यहाँ पे पूरे टीम को इसी कारण फॉल बैक करना पड़ा। उनका रोटेशन कट रहे हैं, यहाँ पे यूनिकॉर्न गेमिंग के प्लेयर्स काफी अग्रेसिवली पुश कर रहे हैं, आ चुके हैं दोनों के दोनों प्लेयर्स, यहाँ पे 4v2 का सिचुएशन है, पीछे से एक प्लेयर कवर पर दे रहा है, मॉर्टल हील अप हो चुका है, वाइपर पे पुश कर चुके हैं दोनों प्लेयर। अब हमें देखना होगा रायन यहाँ पे उजी यूज करे, उजी सोल के लिए बहुत ही खराब रहा, उजी को ट्रोन किया रायन ने, एंड कितने बेहतरीन तरीके से पिक ऑफ किया क्लच गॉड को, मॉर्टल अकेला बचा रायन से पिक ऑफ ना हो जाए, एंड यहाँ पे आई गेस इट्स अ 1v1 सिचुएशन, एंड यहाँ पे हॉन्ग आता हुआ, हॉन्ग बगी से उतरेंगे एंड वहां पे वो कोशिश करेंगे ऑल द मॉर्टल ने कंफर्म कर लिया, टीपी एडवांटेज है, मॉर्टल को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, गन प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हॉन्ग ने आके सोल को एलिमिनेट कर दिया। डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग, हर गेम में यही गलती, इट मेक्स नो सेंस कि आप ऐसे 4v2 इजी फाइट्स अगर आप हार जाओ तो उन्होंने